Good morning students. In this video we are going to discuss about components of cell. As we all know that cell are the basic fundamental unit of life. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सब किससे बने होते हैं सेल से बने होते हैं. तो हम देख लेते हैं कि सेल किस किस चीज से बनी होती है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. तो अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो सेल के अंदर सबसे पहले आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है. सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ये जो सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उस कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मिक्स होने से बचाती है. तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लीमा. अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर जो है एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. इन एनिमल्स में जो है सेल वॉल अब्सेंट होती है. So what are the components of cell? There are mainly three components of cell: cell membrane, nucleus, and cytoplasm. Cytoplasm means जो cell के cytoplasm में बहुत सारी organelles भी present होती हैं. So अगर हम definition देखें cell membrane की तो क्या हो जाएगी? Plasma membrane is the covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. क्योंकि ये external layer present होती है तो ये external environment में cell के content को mix होने से बचाती है. तो अगर हम ये देखे कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस किस चीज से बनी होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. किस चीज से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. ये किसने बताया था? देयर वर टू साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट है जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जिसका क्या नाम था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से. तो जो सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट होती है. दिस इज वन लेयर ऑफ लिपिड एंड दिस इज अनदर लेयर ऑफ लिपिड. लिपिड के साथ साथ सेल में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन: इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो हमारी लिपिड जो बायलेयर होती है उसमें एम्बेडेड होते हैं. और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे वो लिपिड मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं दिस कैन बी फुली एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर एंड कैन बी हाफ एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर. सो दिस वाज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अगर हम उसके बाद एक वर्ड आता है सेलेक्टिव परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है ये हम देख लेते हैं. जैसे परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेम्ब्रेन से अंदर, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल से सब्सटेंसेस का मूवमेंट और बाहर मूवमेंट. मतलब किसी मेम्ब्रेन के अंदर एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. तो अगर हम परमिएबिलिटी के हिसाब से देखें तो सेल जो होती है चार टाइप की हो सकती है: इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल. अगर हम इम्परमिएबल की बात करें तो जैसे ये कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अगर कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो किस किस चीज से बना होता है? कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो अगर ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के दोनों सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं तो वो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? परमिएबल. मतलब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है अंदर इनकी मूवमेंट को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परमिएबल. अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती इनकी मूवमेंट को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल तो सेल क्या हो जाएगी? इम्परमिएबल. क्या हो जाएगी सेल? इम्परमिएबल. इफ सेल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर हम सेमी परमिएबल की बात करें
तो सेमी परमिएबल में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, तो जो सेमी परमिएबल होगी उसमें जो है ओनली सॉल्वेंट्स पास कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, सॉल्यूट्स आर नॉट अलाउड टू पास द मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, सेमी परमिएबल में क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट्स कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड सॉल्यूट्स आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर हम सेलेक्टिवली परमिएबल की बात करें तो सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या हो जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल में मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट में से, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट तो इजीली पास कर जाएंगे मेम्ब्रेन को, लेकिन जैसे कि सॉल्यूट कौन कौन से, ए बी सी तीन टाइप के सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, तो इनमें से मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही पास करने देती है अपने थ्रू। जैसे ए जो ए सॉल्यूट होगा उसको मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती पास करने को, बी एंड सी कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, ओनली सेलेक्टेड चीजें ही जो है सेल के थ्रू पास कर सकती हैं। तो इसी तरह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इट इज वेरी थिन डेलिकेट इलास्टिक। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। सो क्या डेफिनेशन क्या थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन किस किस से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये फर्स्ट तो हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है सेल के कंटेंट को मिक्स होने से बचाती है, इट कीप्स द सेल कंटेंट इन प्लेस एंड प्रिवेंट देयर मिक्सिंग विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। अब सेकंड क्या हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये अलाउ करती है सेलेक्टेड चीजों को अंदर जाना। तो एज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इट अलाउज अ फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि अगर जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होंगे जिनकी सेल को जरूरत नहीं होगी तो वो तो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हार्मफुल ही होगा अगर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस भी सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे तो। इसलिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टेड चीजों को ही एंटर करने देती है सेल के अंदर। अगर हम मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करें थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो किस किस कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, ये देख लेते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस से एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं डिफ्यूजन का, सबसे पहले जैसे कि ये कोई भी रूम है, अगर हम रूम में परफ्यूम को स्प्रे कर देंगे तो यहाँ जैसे परफ्यूम के स्प्रे करेंगे तो यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो एक ही जगह खुशबू आती है परफ्यूम की, लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो रूम में परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या होता है, जो यहाँ पार्टिकल्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, सबसे पहले जहाँ हम परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पार्टिकल्स की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स काम मूव करना शुरू कर देंगे जहां कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की कम होती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यह हायर कंसंट्रेशन से जब तक मूव करेंगे पार्टिकल, जब तक पूरे रूम में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते सारे के सारे पार्टिकल्स, तो डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा, फिर डिफ्यूजन से सारी की कंसंट्रेशन जो है पार्टिकल्स की सेम हो जाएगी पूरे रूम में। इसी तरह जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की थ्रू द प्लाज्मा थ्रू द मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम अभी डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन से मोस्टली जैसे कि
गैसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर कैसे जाती है और ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे जाती है, ओनली विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से। तो डिफ्यूजन का क्या सिग्निफिकेंस हो जाएगा, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो डिफ्यूजन जो है हेल्प करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, मटेरियल्स के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डिफ्यूजन हेल्प करता है। तो ये हमने एक प्रोसेस देख ली जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज ओसमोसिस। अब ओसमोसिस क्या होता है, जैसे ओस्मोसिस मेनली जो है ओस्मोसिस के थ्रू मेनली वाटर का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। ओस्मोसिस में वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है। ओस्मोसिस क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ओस्मोसिस होता है तो हम जो वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करेगा तो उस ओस्मोसिस में बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज ओस्मोसिस, ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस के थ्रू किसका मूवमेंट होता है, वाटर का, मेनली वाटर का मूवमेंट होता है ओस्मोसिस के थ्रू। सो सेकंड प्रोसेस जिससे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो होती है ओस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब ओस्मोसिस, अब हम सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे ये हम किसी सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, सेल का एग्जांपल लेके देखे तो हमने या कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो जो ये सॉल्यूशन होगा इसमें क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्लस सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें कम है कंपैरिजन टू सेल। जो सेल के अंदर जो कंटेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, और जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है उस सॉल्यूशन में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है कम है। तो क्या होगा, हमने अब जब सेल को इस सॉल्यूशन में रखेंगे तो जब वाटर जो है ज्यादा है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, और सेल के अंदर वाटर क्या है, कम है, तो वाटर की मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगी, सॉल्यूशन से कहां हो जाएगी, सेल के अंदर हो जाएगी। तो वाटर की मूवमेंट कहां हो जाएगी, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का क्या मतलब होता है, सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। तो सॉल्यूशन से कहां मूवमेंट हो रही है, वाटर की सेल के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। और जब वाटर जो है सेल के अंदर मूव करेगा सॉल्यूशन से तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, सेल जो है वो क्या कर जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी सेल। क्योंकि जब वाटर सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा तो क्या चेंजेस हो जाएंगे सेल में, सेल जो है स्वेल अप हो जाएगी। अगर हम सेकेंड, ये इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में कम होती है और जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू सेल। अगर हम सेल को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल के अंदर जो कंपेयर करें तो सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, जो वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है हमेशा, तो पानी जो है सेल से कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा थी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन
वाटर जो है का मूवमेंट होता है सेल से बाहर, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड फ्रॉम द सेल। तो इससे जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल के अंदर क्या चेंजेस होगा, सेल से वाटर की मूवमेंट होती है बाहर, तो इससे क्या हो जाएगी, सेल जो है श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी सेल, क्योंकि पानी सेल से बाहर जा रहा है। तो अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। लेकिन अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल में क्या चेंजेस होते हैं, सेल स्वेल अप हो जाती है, स्वेल कर जाती है। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें और जो सेल के अंदर कंटेंट होता है उसमें सेम अमाउंट में वाटर प्लस सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो सेल के अंदर एंड सॉल्यूशन के अंदर सेम होती है। अब सॉल्यूशन में उतना ही वाटर प्रेजेंट है और सेल में भी उतना ही वाटर प्रेजेंट है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, ना वाटर बाहर जाएगा ना वाटर अंदर जाएगा, तो सेल में, सेल की स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेल वैसी की वैसी रहेगी। सो इफ यू प्लेस ए सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन देयर विल बी नो चेंज इन द सेल। अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल स्वेल अप हो जाती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल श्रिंक कर जाती है, और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो सेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन इन साइड द सेल सैप। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। एंड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज सेम एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेल सैप। तो ये सेकेंड प्रोसेस था जिससे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स की, तो ओसमोसिस के थ्रू ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स का मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस हो जाएगी ओसमोसिस की, ओसमोसिस जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल। जो प्लांट्स सोयल के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स जो है ओसमोसिस प्रोसेस की हेल्प से सोयल से उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था जो हमारी लीव्स होती है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है, सबको पता है प्लांट्स में लीव्स प्रेजेंट होती है, तो लीव्स के अंदर जो है स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो है ओस्मोसिस हेल्प करती है। अब जैसे हमने देखा कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस से क्या होता है, मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जो डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस से जब मूवमेंट्स होता है सब्सटेंसेस का तो कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी यूज नहीं होती ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। लेकिन जब कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट के लिए जो है एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब एनर्जी किस चीज के लिए रिक्वायर होगी, जब एनर्जी कहाँ रिक्वायर होगी, जहाँ हमें कम कंसंट्रेशन हो सब मॉलिक्यूल्स की, कम से कहाँ पहुंचाना हो, ज्यादा में पहुंचाना हो, ज्यादा कंसंट्रेशन हो वहां पहुंचाना हो, तो एनर्जी तो लगेगी। तो इसलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और जब हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करवाएंगे सब्सटेंसेस को तो यहाँ क्या लगता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब लोअर से हायर में पहुंचा रहे हैं हम, इसलिए
जो है एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी जो है यूज की जाती है। दिस वॉज द थर्ड प्रोसेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और प्रोसेस होती है जिससे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, वो कौन सी होती है? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके लिए हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये कोई भी अमीबा की सेल है, अमीबा जो होता है हम सबको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल से बना होता है। तो जैसे एनवायरमेंट में कोई भी, यहाँ जैसे एनवायरमेंट में फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये अमीबा जो है इन फूड पार्टिकल्स को कैसे लेता है? जब ये सेल मेम्ब्रेन जो है फूड पार्टिकल्स के बाहर से ऐसे सूडोपोडिया बना लेता है, मेम्ब्रेन जो है बार बार से फूड को जो है कवर कर लेगी, इस स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या हो जाएगा? सूडोपोडिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है अमीबा जो बार पार्टिकल जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है सूडोपोडिया बनाने के बाद इन फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उनकी इनसाइड मूवमेंट होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स है, जो भी मटेरियल, यूजफुल मटेरियल लिया जाता है, वो दो टाइप की प्रोसेसेस से लिया जाता है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे एनवायरमेंट में वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर लिए जाते हैं। और अगर हम फैगोसाइटोसिस की बात करें तो फैगोसाइटोसिस को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस में जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर पास होते हैं। तो हमने अभी एग्जांपल देखा था अमीबा का, तो जैसे अमीबा में क्या होता है, सेल के बाहर जो भी फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेल उसके चारों तरफ कवरिंग बना लेती है, और कवरिंग के बाद जो है बना के जो है ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर ले लिया जाता है। उसी तरह एंडोसाइटोसिस की तरह, एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि जो फूड पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिए जाते हैं। अब अंदर मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, तो मूवमेंट बाहर भी होती है, तो जो मूवमेंट सेल से बाहर मूवमेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इन द एनवायरमेंट उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। अब हमने जैसे अभी एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस की तरह ही एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। जो भी सेल के अंदर मटेरियल होता है जो सेल से बाहर पहुंचाना होता है सेल को, तो वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से सेल के बाहर जाता है। अगर हम देखें जो सेल के अंदर, जैसे ये कोई भी मटेरियल जो सेल को बाहर पहुंचाना होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिक वेसिकल। जैसे तो ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर आ जाता है और उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर